भारतीय मसालों के औषधीय गुण को नकारा नहीं जा सकता। उनसे न सिर्फ खाने का स्वाद दोगुना होता है, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे किचन में कितने ही ऐसे मसाले मौजूद हैं जो हमारे भोजन को जायका प्रदान करने के अलावा कुछ मसाले औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। कुछ मसाले तो अपने खास गुणों के कारण घरेलू औषधि के रूप में भी काम आते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ मसालों के बारे में जानकारी लेते हैं जो कुछ बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह बहुत ही आकर्षक है कि प्राचीन काल में औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली कई जड़ी बूटियों का उपयोग आज भी उन्हीं लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि कुछ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां संदिग्ध हैं। मसाला का उपयोग भारतीयों द्वारा रसोई और स्वास्थ्य दोनों उद्देश्यों के लिए हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। एक शोध के मुताबिक भारत में मसालों जैसे इलायची और हल्दी की खेती 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से की जाती थी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इजिप्ट, रोम और ग्रीस में भी इसका प्रचलन रहा है। एक अनोखी बात यह है कि आयुर्वेदिक पान, आयुर्वेदिक चिकित्सा में लौंग और इलायची जैसे मसालों को सुपारी के पत्तों में लपेटा जाता है और भोजन के बाद चबाया जाता है ताकि लार के प्रवाह को बढ़ाया जा सके और पाचन में सहायता मिले। चरक 1वीं शताब्दी और सुश्रुत 2वीं शताब्दी के संपादकीय ने मसालों और जड़ी बूटियों को संदर्भित किया है, जिनमें उपचार के प्रयोजनों के लिए दालचीनी, इलायची, अदरक, हल्दी और काली मिर्च जैसे मसालों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभों के लिए इलायची, अदरक, काली मिर्च, जीरा और सरसों जैसे मसाले प्राचीन हर्बल दवाओं में शामिल थे। इन सभी का प्रमाण हमें सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में मिलता है। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखी सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में आज भी विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के पिता और सर्जरी के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। उन्होंने उपचार के प्रयोजनों के लिए दालचीनी, इलायची, अदरक, हल्दी और काली मिर्च जैसे कई मसालों और जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया था। वही दूसरी ओर चरक संहिता आयुर्वेद पर एक संस्कृत पुस्तक है। चरक संहिता पुस्तक की सामग्री को पहले अत्रेय द्वारा पढ़ाया गया था और फिर बाद में अज्ञेय द्वारा संहिताबद्ध किया गया और बाद में चरक द्वारा संशोधित किया गया। चरक संहिता में आहार, स्वच्छता, रोकथाम, चिकित्सा, शिक्षा भी शामिल है। अब जानते हैं मसालों के वनस्पतिक आधार के बारे में। बीज जैसे सौंफ, सरसों, जायफल और काली मिर्च। फल में लाल मिर्च। छाल में दालचीनी। पत्तियां तेजपत्ता। फूल की कलियां लौंग। स्टिग्मा केसर। जड़ और प्रकंद में हल्दी और अदरक। और रेजिन के तौर पर हींग का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि मसालों में उपचार करने की शक्ति क्या है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक प्राकृतिक तत्व होता है जो सूजन कम करने में मदद करता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। दूसरा, जीरे में भी एंटीबैक्टीरियल विशेषताएं पाई जाती हैं। जीरा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है, जिसे नियमित रूप से खाने से खून की कमी दूर होती है। वैसे जीरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इससे खाने से गैस, अपच जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। कई लोग जीरे की इसी विशेषता के कारण जीरे का प्रयोग चावल, रोटियां या पराठों में भी करते हैं। जीरा डालकर उबाला गया पानी पेचिस का बहुत अच्छा उपचार है। लाल मिर्च भोजन में स्वादिष्ट तीखा स्वाद डालने का प्रमुख मसाला है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचाव में सहायता करता है। यह कैलोरी जलाने में भी अहम भूमिका निभाता है, साथ ही लाल मिर्च पाचन शक्ति बढ़ाती है। इसका ज्यादा प्रयोग पेट में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। एक शोध के मुताबिक दालचीनी छाल डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। दालचीनी कैल्शियम और फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत है। जिन लोगों को मधुमेह नहीं है वे इसका सेवन करके मधुमेह से बच सकते हैं। इसके अलावा डायरिया, खराब खून का दौरा, पेट की खराबी और मासिक के दौरान खराब मूड को यह ठीक करती है। साथ के साथ कैंसर जैसी बीमारी में भी लाभकारी है। अजवाइन में स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुगंध तथा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। अजवाइन गैस व एसिडिटी की समस्या में बहुत असरदार होता है। अगर आपको बहुत अधिक एसिडिटी हो तो आप थोड़े से गुनगुने पानी के साथ अजवाइन को ले सकते हैं, मगर इसका ज्यादा सेवन करने से पेट में जलन हो सकती है। जायफल बहुत ही थोड़ी मात्रा में गर्म मसालों में प्रयोग किया जाता है। जायफल में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। यह दांतों की सड़न से लड़ता है, साथ ही दिमाग को मजबूत करके अल्जाइमर से भी लड़ता है। इसे खाने में मिलाकर खाने से भूख बढ़ती है। अब अगर बात करें लौंग का, इसका उपयोग तेल व एंटीसेप्टिक रूप में किया जाता है। लौंग में आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए कई गुण होते हैं। दांत या मसूड़ों में दर्द हो तो मुंह में एक लौंग रखने से लाभ मिलता है।
दर्द में लाभ मिलेगा। सीने में दर्द, बुखार, पेट की परेशानियां और सर्दी जुकाम में भी लौंग फायदेमंद साबित होता है। लहसुन की तासीर काफ़ी गर्म होती है और जाड़े के मौसम में इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है तथा बॉडी को खांसी जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। काली मिर्च को खाने में इस्तेमाल करने से व्यक्ति की पाचन क्रिया सही ढंग से चलती है। इसके सेवन से कब्ज नहीं होता और पेट को भी काफ़ी आराम मिलता है। और तो और, यह हाई ब्लड प्रेशर को भी लो करने में काफ़ी मदद करता है। राई से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, गैस नहीं बनती व पाचन में सहायक होती है। छाछ में राई का छोंक लगाकर पीने से दस्त ठीक होते हैं। इसकी प्रकृति गर्म होती है, ये पसीना लाती है। मेथी वायु को मिटाती है, मधुमेह, जोड़ों के दर्द आदि से बचाव करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, बालों के लिए अच्छी होती है, माँ का दूध बढ़ाती है जिससे शिशु को दूध की कमी नहीं होती या खून की कमी दूर करती है। मेथी से विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम तथा बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब हम जानते हैं कि इन मसालों में ये गुण कैसे होता है, इन मसाला में कौन सा सक्रिय यौगिक होता है जो इसके महत्व को बढ़ाता है। हल्दी में कर्क्यूमिनोइड्स होते हैं, तेज पत्ता में 1-8 सिने ऑयल, लाल मिर्च में कैप्सिकिन, लौंग में यूजिनॉल, दालचीनी सिनेमल्डिहाइड, धनिया पत्ता 2 डेसिनोइक एसिड, धनिया बीज में कोरिएंड्रोल, जीरा में क्यूमिनल्डिहाइड, अदरक में जिंजिविरिन, जायफल में सैबिनिन और केसर में क्रोसिन। केसर को पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स माना जाता है। विशेष प्रस्तुति में धनिया, अदरक और हल्दी के बारे में हम लोग बात करेंगे।